गुजरात पालनपुर में राजस्थान के सैकड़ों युवा पहुंचे हैं सरकार की तानाशाही, सरकार की लापरवाही। सरकार ने हमसे वादा किया, चाहे वो लखनऊ समझौता हो, चाहे वो मंत्रियों का समझौता हो, चाहे वो 23 मई के आंदोलन की मांग हो, चाहे वो 13 जून के आंदोलन की मांग हो, जिसमें मुकदमा दर्ज किए गए और लाठीचार्ज किए गए, तमाम संख्या देख सकते हैं। ये गुजरात पालनपुर में आए हुए, ये राजस्थान के युवा है, ये तमाम राजस्थान के युवा है। पालनपुर का ये वीडियो है और पुलिस प्रशासन और सरकार हमारे लोकेशन दिखवा लीजिए। हम राजस्थान से जंग लड़ने के लिए गुजरात में पहुंच चुके हैं। या चुनाव में कांग्रेस के नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे पूरी करो। कांग्रेस से हमारा कोई विरोध नहीं है, कांग्रेस सरकार से हमारी मांगे पूरी कर दो, हम राजस्थान आ जाएंगे, विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आज हम बड़ी रणनीति बना रहे हैं, आर पार की लड़ाई के लिए रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। चाहे वो पंचायत राज चयन भर्ती का मामला हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक में शिथिलता देने का मामला हो, चाहे वो पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे वो और भी जो भर्तियों के लोग आए, चाहे वो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के हो, और चाहे वो लखनऊ समझौता हो, चाहे विशेष शिक्षकों का मामला हो, जो तमाम भर्ती जो हमसे वादा किया था सरकार ने, वो मांगे पूरी नहीं की, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम गुजरात से ऐलान कर रहे हैं, हम ना झुकेंगे ना हारेंगे। चाहे लाठी चलाओ, चाहे मुकदमा दर्ज करो, हम सच के लिए आए हैं और हम सच के लिए लड़ेंगे, जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ बड़ा ऐलान करके जाएंगे और कांग्रेस को यहाँ गुजरात चुनाव में पटकनी देंगे, घर घर जाके विरोध करके काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे, जिसका ऐलान आज शाम तक कर देंगे। धन्यवाद।